अफीम की लत, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। कुछ दिन पहले मेरे ओपीडी में एक व्यक्ति आया, अराउंड 40 साल का। इसलिए है कि उसको अफीम की लत है, ओपियम उसकी लत है, मॉर्फिन उसकी लत है। जब उसको हिस्ट्री पूछा तो करीब करीब 4 साल पहले उसको पेट में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, काफी सारे टेस्ट किया, सब रिपोर्ट नॉर्मल थे। तो किसी ने उसको बताया कि तू थोड़ा अफीम ले ले, तेरा पेट ठीक हो जाएगा। तो उसने अफीम लिया, उसको अच्छा लगा और तब से फिर धीरे धीरे डोज बढ़ते गए। अभी आज अफीम नहीं लिया तो उसको काफ़ी सारा नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, पेट दर्द करता है, फिर बॉडी एक्स एंड पेन्स होते हैं, मतलब पूरे बदन में दर्द होता है, नाक बहने लगता है, आंखों में पानी आता है, मतलब टिपिकल विड्रॉल सिम्टम्स उसको ओपीएम के आते हैं, अफीम के आते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि ये लोग जो है उनको तो इतना क्रेविंग होता है, सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं कि उनको लेना ही पड़ता है। और वो इतना महंगा है कि रोज लोग 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक रोज खर्चा करते हैं अफीम के ऊपर। ब्लैक में लेना पड़ता है, पता नहीं वो बताते नहीं कि हम कहाँ से लाते हैं, क्योंकि डर लगता है कि भाई हम कहीं उनके पास चले गए और उनको मतलब कहीं पुलिस कंप्लेंट हो गई, कुछ हो गया, तो फिर इसलिए बताते भी नहीं, 24 रुपये लाते हैं और बहुत महंगा बेचते हैं। क्या होता है कि ये लेते लेते उनका बाकी खाना पीना कम हो जाता है, बाकी विटामिन डिफिशियंसी, क्योंकि सब पैसा इसमें बर्बाद होता है, और फिर अलग अलग बीमारी हो सकती है और उसमें वो सक्षम हो जाते हैं। ये व्यक्ति को मैंने बोला ठीक है आप एडमिट हो जाओ, हॉस्पिटलाइज करेंगे, और उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मैंने दिया, मतलब जैसे हाथ पैर दर्द करे तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, नौशिया हो रहा है, जी मछलाना, उल्टियाँ हो रही, उसके लिए ट्रीटमेंट है। और मैंने बुप्रेनॉर्फिन और नैलॉक्सॉन, ये जो दवाइयाँ हैं इसका कॉम्बिनेशन आता है, उसकी गोली मैंने उनको दिया, ताकि उसको विड्रॉल जो है वो इतना सीवियर ना आए। क्योंकि ये जो गोली है बुप्रेनॉर्फिन नैलॉक्सॉन कॉम्बिनेशन, इसमें विड्रॉल बहुत सीवियर नहीं आता है, यूजुअली 2 गोलियाँ जो है वो रोज की देते हैं और धीरे 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 फिर गोली कम करके बंद कर देते हैं। तो वो गोली उसको दिया, उसे काफ़ी उसको अच्छा लगा। जो विड्रॉल सिम्टम जो थे रहते कि एकदम क्रेविंग, भूख लगना, वो ओपीएम के बारे में, हाथ पैर दर्द करना, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, मस्त उसके दिन गए हॉस्पिटल में फर्स्ट क्लास, और धीरे धीरे हमने दवाई बंद कर दिया। तो ये ओपीएम का ट्रीटमेंट होता है, ओपीएम एडिक्शन का। लोगों ने ये लेना चाहिए मगर लोग बाहर खुल के बात नहीं करते। आपको मालूम नहीं होगा कि कौन सा व्यक्ति ओपीएम एडिक्ट है, कौन सा व्यक्ति नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करो, ताकि लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई इसकी दवाई है और इससे वो छुटकारा पाके अपना जीवन नॉर्मली जी सकता है। हमारा जो है मकसद वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आपको यदि कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो जरूर नीचे नंबर दिया है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो, ऑनलाइन कंसल्टेशन आप हमें कर सकते हैं, और हमारा जो ऐप है आप डाउनलोड करके उसमें की वीडियो भी आप देख सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।